हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे मसाला मठरी, खस्ता करारी और बहुत ही स्वादिष्ट मठरी। इस होली आप भी इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, ये मठरी आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस तरह से मठरी बना लेंगे तो सभी पूछेंगे आपने कैसे बनाया। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे कभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बाउल ले लेती हूँ और इसमें हम एक कटोरी मैदा डालेंगे, छान कर लेंगे मैदे को। अब इसमें डालेंगे आधी चम्मच कसूरी मेथी, इसको हाथ में डाल के क्रश कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बस डालना है आपको। अब डालेंगे इसमें अजवाइन एक चौथाई चम्मच, इसको भी इस तरह से हाथ से क्रश करके डालेंगे। यहाँ पे डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मसाले यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह पे घी भी यूज कर सकते हो, उससे भी मोयन लगा जा सकता है। मठरी बना रहे हैं हम तो मोयन लगाना जरूरी है। कभी भी आप मठरी बनाएं तो मोयन जरूर लगाएं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, अच्छे से मसल मसल के। इसमें दाने नहीं होने चाहिए। ये देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बस इसी तरह से हमें मसल देना है। हम मोयन क्यों लगाते हैं, जिससे हमारी मठरी खस्ता बने, ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोयन मिक्स हो चुका है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इस तरह से बाइंडिंग होने लगे, यानी हमारा मोयन परफेक्ट है। बस इसी तरह से हमें मोयन लगाना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूड़ी के जैसे डो लगा लेते हैं। डो हमारा लगकर तैयार हो चुका है, मैंने इसे पूड़ी के जैसे देखिए लगा लिया है सख्त डो। अब थोड़ा सा हम ऑयल ले लेते हैं और ऊपर से लगा देते हैं, जिससे ये और भी अच्छा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं दूसरा बाउल ले लेती हूँ और इसमें हम डो को रख देते हैं और प्लेट से कवर कर देते हैं, जिससे ये अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। अब एक साइड पर रख देते हैं। फिर से मैं वही बाउल ले लेती हूँ। अब इसमें डालेंगे वही एक बड़ी कटोरी बेसन, बेसन को छान कर लेंगे। और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, ये कलर के लिए है। 1/4 चम्मच हींग, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब डालेंगे इसमें अजवाइन 1/4 चम्मच, इसको हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे। 1/4 चम्मच कसूरी मेथी, इसको भी इस तरह से क्रश करके डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला, साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला, नमक लेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर 1/4 चम्मच, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मसाले मिक्स कर देते हैं। अब इसमें 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो इसकी जगह भी घी भी ले सकते हो। मिक्स कर देते हैं, मोयन को अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से मसल मसल के। ये देखिए जैसा मैं कर रही हूँ, बस आपको भी इसी तरह से मोयन को लगाना है। कभी भी हम मठरी बनाते हैं तो मोयन लगाना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि मठरी खस्ता करारी बनकर कंप्लीट होती हैं। मसाले मिक्स हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका भी डो लगा लेते हैं। बस उसी तरह से डो को लगाना है जैसे हमने पहले मैदे का लगाया है, उसी तरह से लगाएंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है। अगर हम एक साथ डाल देते हैं तो बेसन गीला हो जाएगा, इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। बेसन को मैंने यहाँ पे गूंथ लिया है, आप देख सकते हैं हमारा डो रेडी है। चलिए इसे अब ढक कर रख देते हैं। अभी हम मैदे को देख लेते हैं, ये देखिए अच्छे से ये फूल गया है। अब इसे थोड़ा इस तरह से मसल लेते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे चकला ले लिया है और देखिए इस तरह से लंबाई के आकार में इसको लंबा कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे चाकू ले लेती हूँ और इसके 3 भाग कर देती हूँ।
दो मैं एक साइड पे रख देती हूँ और एक मैं ले लेती हूँ इसकी लोई बना लेती हूँ। लोई को इस तरह से मसलते हुए अच्छे से बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारी लोई बनकर कंप्लीट हो चुकी है। तो लीजिए यहाँ पे हमारी मैदे की 3 लोई बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बेसन की भी इसी तरह से 3 लोई बना लेते हैं। देखिए मैंने बेसन को इस तरह से लंबाई के आकार में लंबा कर लिया। अब नाइफ की सहायता से 3 भाग इसके भी हम कर देते हैं और लोइयां बना लेते हैं। यहाँ पे हमारी 3 लोई मैदा की और 3 लोई बेसन की बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैदे की मैंने 1 लोई ले ली है और इस तरह से देखिए हाथ से थोड़ा प्रेस करके फैला देते हैं। अब हम दूसरी बेसन की लोई ले लेते हैं, बस इसको भी इसी तरह से हाथ से फैला देते हैं। अब दोनों को एक के ऊपर एक रख के दोनों को कवर कर देते हैं और अच्छे से प्रेस करते हुए चिपका देते हैं। अब हम मसाला मठरी को बेल लेते हैं। ये देखिए बस इस तरह से बेलना है, थोड़ा हम ऊपर से बेल देते हैं और फिर से पलट के दूसरी तरफ से बेल देते हैं। ऐसे बेलने से क्या होता है, हमारी दोनों लेयर बराबर होती हैं। हम एक तरफ से बेल देते हैं तो एक बड़ी हो जाती है और दूसरी छोटी हो जाती है। बस इसी तरह से हम बेल लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पे मैंने बेल कर कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इतनी मोटी बेली है, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। अब हम बेसन वाला हिस्सा अंदर कर देते हैं और रोटी को इस तरह से देखिए घुमाते हुए हम किनारे से अच्छे से रोल कर देते हैं, दबा दबा कर। ये देखिए हमारी रोल हो चुकी है। तो लीजिए यहाँ पे हमारा रोल बनकर कंप्लीट हो चुका है। बस अब इसे थोड़ा सा और हम इस तरह से देखिए हाथ से और लंबा कर देते हैं, बस थोड़ा ही करना है, यानी इसे थोड़ा पतला कर देते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमारा ये पतला हो चुका है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा ही करना है। अब हम चाकू ले लेते हैं, चाकू से इसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। जितनी साइज की आपको मटरी बनाना हो बस उतनी साइज की ही आप इसको काट कर कंप्लीट कर सकते हो। तो लीजिए यहाँ पे मैंने चाकू से मटरी को काट लिया है। अब बस एक एक मटरी को देखिए इस तरह से थोड़ा गोल कर देते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बस इसी तरह से, और थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देते हैं, बस थोड़ा सा ही करना है। तो लीजिए यहाँ पे हमारी मटरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मटरी बनकर कंप्लीट हुई है। बस इस तरह से सारी मटरी को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। मटरी यहाँ पे हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब हम मटरी को फ्राई कर लेते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालकर मीडियम गर्म कर लिया है। हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मीडियम गर्म ही करना है। अब हम एक एक करके मटरी डाल देते हैं। ये देखिए बस इस तरह से डालते जाना है, जितनी हमारी कढ़ाई में आ जाए बस उतना ही हमें डाल देना। मटरी को मैंने डाल दिया है। अब हम इन्हें नीचे से सेक लेते हैं। इन्हें हमें अभी टच नहीं करना है, हम इनको थोड़ी देर बाद टच करेंगे। तो चलिए मटरी नीचे से थोड़ी थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है। अब इनको हम पलट देते हैं और बस इसी तरह से उलट पलट करके ही इनको फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमारी मटरी फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और गोल्डन ब्राउन मटरी हमारी हो चुकी है। चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमारी खस्ता करारी मटरी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। इसोली आप भी फ्रेंड्स इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर सकते हो। आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा और आपकी इस तरह की मटरी बनी या नहीं बनी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में घंटी का बटन भी दबाइए, इससे कभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।